और इस पे एक बड़ी खबर आ रही है पठानकोट एयरबेस से। आपको बता दें आतंकवादियों ने वहां हमला किया, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त वहां से आ रही है, धमाके की आवाज सुनी गई है पठानकोट एयरबेस में। धमाके की आवाज की जानकारी फिलहाल मिल रही है। इससे पहले भी लगातार वहां पर ऑपरेशन जारी ही था, लेकिन फायरिंग बीच में रुकी थी, रुक रुक कर हो रही थी। मंजीत नेगी के पास और जानकारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मंजीत, धमाके की आवाज सुनी गई है, इस पर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए मीनाक्षी, जैसे कि जानकारी मिल पा रही थी कि जो आतंकी हैं वो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद से लैस हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं कि ये धमाका उनकी तरफ से किसी विस्फोट की वजह से हुआ है या फिर जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से इस क्योंकि वो अंदर किसी पुरानी बिल्डिंग और पेड़ों के पीछे छुपे हैं, उनकी तरफ से किसी बड़े हथियार यानी कि मोर्टार से ये हमला किया गया। हालांकि दो धमाके फिलहाल सुनाई दिए हैं और जैसा कि लगातार जानकारी मिल रही थी कि अभी एक और आतंकी जिसके पास भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है उसकी तलाश जारी है। हालांकि मीनाक्षी, अभी तक की जो अंदर की स्पष्ट जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया है वायुसेना की तरफ से, जो सुरक्षा बल वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। उस लिहाज से अभी हालांकि चार आतंकियों के मारे जाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि एक आतंकी का शव एयरफोर्स ने अपने कब्जे में लिया है। बाकी अभी लगातार ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि पूरे इलाके में कई तरफ से ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में अभी कह सकते हैं कि वक्त लग सकता है। और अभी दो जो धमाकों की बात आ रही है उस पर ये माना जा रहा है कि ये शायद जो आत्मघाती हमलावर, हालांकि लगातार हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे और इस लिहाज से इनकी तैयारी भी उसी तरह से थी, हैंड ग्रेनेड की बात की जाए या फिर दूसरे बम विस्फोटक की बात की जाए, और बड़े हथियारों के साथ ही आए थे। तो ये जो दो धमाके हैं, हो सकता है कि उसमें जो आतंकी है वो उसने अपने को उड़ाने की कोशिश की हो, आसपास के जो इलाके में ज्यादा नुकसान हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये अंदर से और जानकारी मिल पाएगी तो ये बात साफ हो पाएगी कि ये धमाके किस वजह से हो पाए हैं। मंजीत, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं कि क्या ये आतंकवादी अभी जो अंदर छिपे हैं वो एक है या एक से ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, इस पर कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, अभी तक जो सुरक्षा बल हैं, एयरफोर्स के लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इन आतंकियों के घुसने की जानकारी दी थी, उनके मुताबिक छह के आसपास आतंकी बताए जा रहे हैं, जिसमें से चार आतंकियों को मारा गया है। यानी कि अभी भी दो आतंकी और हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और क्योंकि आतंकी लगातार बीच में थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुकी थी, लेकिन उसके बाद से ये ऑपरेशन तेज हुआ है, दोनों तरफ से फायरिंग तेज हुई है, और अब जिस तरह से अंदर धमाकों की बात सामने आ रही है उससे ये माना जा रहा है कि आतंकियों के पास बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मौजूद है। हालांकि अब सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हुई है, एनएसजी के लोगों ने मोर्चा संभाला है, इसके अलावा जो वायुसेना के गरुड़ कमांडो हैं, इसके अलावा तमाम सेना के लोग हैं, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी सेना की जो यूनिट के वहां पर पहुंचे हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है। तो अब ऑपरेशन तेज हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये कहें कि ऑपरेशन में सफलता मिली है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी मीनाक्षी, बिल्कुल इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि ये ऑपरेशन अभी और देर चल सकता है और इस बड़े इलाके में एयरबेस फैला हुआ है, ऐसे में इस पूरे इलाके की सघन जांच करना भी चुनौती है। लेकिन फिर भी पांचवा आतंकवादी आत्मघाती हो सकता है, साथ ही एक आतंकवादी की बॉडी भी रिकवर की गई है और धमाके की आवाज वहां सुनी गई है। ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है हमें वहां से। इस पर अपडेट्स के साथ हम लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।